इंसान सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, जानवर भी सांस लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कंक्रीट से बनी सड़क को सांस लेते हुए देखा है? हो सकता है कि ये बात आपको मजाक लग रही हो, लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे, ऐसा सचमुच हुआ है। पहले आप सांस लेती हुई सड़क का ये वीडियो देखिए और फिर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। Sigue temblando. Todavía sigue temblando. Háblale a tu padre. ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस समय, ये मेक्सिको की हैं, जहां दो दिन पहले यानी 19 सितंबर को 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है और आशंका है कि ये मौत का आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मेक्सिको में इतना बड़ा भूकंप आने के बावजूद करीब 250 लोगों की मौत हुई। अगर वहाँ के लोग जागरूक ना होते तो मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती थी, हजारों में हो सकती थी। इसलिए इस भूकंप में भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। इस घटना को हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मेक्सिको से परेशान करने वाले वीडियोस अब भी हमारे पास आ रहे हैं। मेक्सिको में 19 सितंबर को आए भूकंप का एक अजीब सा इतिहास है और इसी इतिहास ने मेक्सिको के लोगों को बहुत जागरूक बना दिया है। 19 सितंबर को मेक्सिको के इतिहास में खूनी तारीख के तौर पर याद किया जाता है। 32 वर्ष पहले यानी 19 सितंबर 1985 को भी मेक्सिको में रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 5,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1985 में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या 40,000 से ज्यादा थी। उस वक्त मेक्सिको शहर में 412 इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जबकि 3,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। और 32 साल बाद इसी तारीख को मेक्सिको में जब फिर से भूकंप आया तो 50 से ज्यादा इमारतें जमीन में समा गई। हमारे पास ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें सड़क पर खड़े लोग अपनी आंखों के सामने एक एक करके इमारतों को नीचे गिरते हुए देख रहे हैं। सबसे दुखद हादसा मेक्सिको के एक प्राइमरी स्कूल में हुआ, जहां स्कूल की इमारत गिरने से 21 बच्चों की मौत हो गई। भूकंप के झटके कितने तेज थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेक्सिको सिटी में बहने वाली एक नदी का पानी समुद्र की लहरों की तरह उछलने लगा। नदी के अंदर नाव पर सवार लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें, क्योंकि एक मिनट से भी ज्यादा देर तक नदी के पानी में तेज लहरें उठती रही। इस प्राकृतिक आपदा में आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या फिलहाल करीब 250 बताई जा रही है, लेकिन अगर वहां के लोग जागरूक न होते तो यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। 1985 के भूकंप के बाद मेक्सिको में हर वर्ष 19 सितंबर को भूकंप से बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को यह बताया जाता है कि भूकंप की स्थिति में खुद को कैसे बचाएं। और दो दिन पहले भी मेक्सिको में एक ऐसा ही मॉक ड्रिल चल रहा था और उसी दौरान यह भूकंप आ गया। वहां के कई स्थानीय लोगों का यह दावा है कि इस मॉक ड्रिल की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान बच गई। अक्सर भूकंप आने के बाद इस तरह के विश्लेषण किए जाते हैं कि भूकंप का केंद्र कहां था, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता कितनी थी और कितने लोगों की मौत हुई। भारत में फिलहाल कोई भूकंप नहीं आया है, लेकिन देश के मीडिया को भूकंप आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सरकार को, सिस्टम को भी लोगों के मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम आपको भूकंप आने से पहले ही उससे जुड़ी तमाम जरूरी बातें और भूकंप के दौरान बचने के तरीके एक बार फिर से बता रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि ऐसी स्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके लिए हम सबसे पहले मेक्सिको में आए भूकंप की तस्वीरों की मदद लेंगे। कुदरत की ये विनाश लीला भी किसी शिक्षक से, किसी टीचर से कम नहीं है। Thank you.
एक तारीख, एक देश और तबाही 32 वर्ष पहले जैसी। ये तस्वीरें मेक्सिको की हैं, जहां वर्ष 1985 में भी 19 सितंबर को ही भयानक भूकंप आया था और 32 वर्ष बाद 2017 में 19 सितंबर को ही भयंकर भूकंप ने पूरे मेक्सिको को हिला दिया है। यानी 32 वर्ष के बाद तबाही की तारीख लौट कर आई है। कुदरत ने तबाही का ऐसा ताना बाना बुना है कि जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। 7.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने पूरे मेक्सिको को हिलाकर रख दिया। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। जो इमारतें कभी शहर की शान थी, अब वही अब पूरे शहर को रुला रही हैं। भूकंप के झटकों से पूरा मेक्सिको कागज की तरह कांपता नजर आ रहा था। इमारतों से आग के गोले निकल रहे थे। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लगा कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है। ये मेक्सिको सिटी में तबाही की तस्वीरें हैं। बत्तीस वर्ष बाद एक बार फिर जब मौत की तारीख लौटी, तो मेक्सिको में हर तरफ मौत का मंजर छाने लगा। उन्नीस सितंबर की दोपहर को धरती इस तरह हिलने लगी कि करीब 40 से ज्यादा इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। भूकंप का केंद्र मेक्सिको के पुएब्ला प्रांत में एंटसेगो के पास था। ये इलाका मेक्सिको सिटी से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप सतह से करीब 51 किलोमीटर नीचे था। कुदरत के इस कहर में दर्जनों इमारतें मलबा बन गई। मलबा बन चुकी इमारतों का धुआं कई घंटे तक मेक्सिको सिटी के आसमान पर छाया रहा। मेक्सिको में आए शक्तिशाली भूकंप ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और जो खुशनसीब लोग बच गए वो इमारतों से बाहर निकलकर सड़कों पर भागते दिखे। जब भूकंप आया तो बड़ी संख्या में लोग दफ्तरों में मौजूद थे। दफ्तर में लगी लाइट्स जोर जोर से हिलने लगी और टूट कर बिखर गई। दफ्तर के अंदर का सारा सामान टूट फूट गया। जिस वक्त भूकंप आया कई लोग बोटिंग का मजा ले रहे थे, लेकिन अचानक भूकंप के झटकों से झील का पानी हिलने लगा। लोग चीखने लगे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। मेक्सिको सिटी की कई सड़कें भी भूकंप की वजह से बीच से टूट गई। धरती के हिलने से सड़कों के बीचों बीच बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। 19 सितंबर को मेक्सिको सिटी में जिस वक्त भूकंप आया, उस समय कई जगहों पर भूकंप के बचाव करने की ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल चल रही थी। मगर इसी दौरान वाकई में बड़ा भूकंप आ गया, जो कई साल तक ना भूलने वाली तबाही के निशान छोड़ गया। मेक्सिको के लिए ना तो ये तबाही नहीं है, ना ही तबाही की तारीख। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि मेक्सिको में आए भूकंप में अब तक किसी भारतीय के मरने या घायल होने की खबर नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल ही इस बात की जानकारी दे दी थी।
अब कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और पहला सवाल यह है कि मैक्सिको में भूकंप क्यों आता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 21 अप्रैल 1776 से लेकर 19 सितंबर 2017 तक मैक्सिको में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 67 बार भूकंप आ चुका है और लगभग हर बार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 से ज्यादा थी। इसकी सबसे बड़ी वजह है मैक्सिको का एक ऐसी जगह पर होना जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। सबडक्शन जोन पृथ्वी पर एक ऐसा इलाका होता है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच टक्कर की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आसान भाषा में समझें तो मैक्सिको के नीचे धरती की जो प्लेट्स हैं वो अनस्टेबल हैं और धीरे धीरे नीचे की ओर धस रही हैं, और यही वजह है कि यहां पर भयानक भूकंप आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। वैसे ये सिर्फ अकेले मैक्सिको की समस्या नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी भूकंप वाली प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और भारत भी उन्हीं में से एक है। भारत के 22 राज्य मल्टी डिजास्टर जोन में आते हैं, यानी वो जगह जहां एक से अधिक प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं या आ चुकी हैं। भारत के 633 जिले प्राकृतिक आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। भारत के 59% हिस्से में कभी भी भूकंप आ सकता है। मैक्सिको में जिस जगह भूकंप आया, जिस तरह का भूकंप आया, अगर उस तरह का भूकंप दिल्ली, मुंबई या किसी दूसरे महानगर में आ जाए तो फिर क्या होगा, इस सवाल का जवाब बहुत डरावना है। और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप का कितना खतरा है। भूकंप के खतरे को बताने के लिए हमारे देश को 5 जोन्स में बांटा गया है। और अब आप खुद नोट कर लीजिए कि आपका घर इन जोन्स में कहां है। जोन 1 का मतलब है जहां भूकंप का खतरा सबसे कम है। जोन 2 का मतलब है लो इंटेंसिटी के झटके वाले इलाके, यानी यहां पर 4 से कम तीव्रता के झटके आते हैं। जोन 3 का मतलब है मॉडरेट इंटेंसिटी, यानी भूकंप के हल्के झटके, यहां 7 की तीव्रता तक के झटके आ सकते हैं। जोन 4 का मतलब है सेवेयर इंटेंसिटी, यानी जहां भूकंप का खतरा ज्यादा है, यहां 8 तीव्रता तक का भूकंप आ सकता है। जोन 5 का मतलब है वेरी सेवेयर इंटेंसिटी, यानी भूकंप का खतरा इन इलाकों में बहुत ज्यादा होता है, यहां 9 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। अब आपको पूरे देश की तस्वीर दिखाते हैं ताकि आप जान जाएं कि भूकंप का खतरा कहां ज्यादा है और कहां कम। आप ये मैप देखकर तय कर सकते हैं कि आपका घर कहां पर है और वहां पर कितना खतरा है। आप खुद स्पॉट कर सकते हैं कि इस देश में आपका घर किस जोन में है। इस नक्शे में आपको लाल रंग का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 5 का इलाका है, यानी यहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। इसमें भारत के उत्तर पूर्व राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी बिहार का इलाका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। मैप में आपको जो नारंगी रंग का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो जोन 4 है, यानी यहां भी भूकंप का खतरा ज्यादा है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश का उत्तरी इलाका, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात के बहुत सारे हिस्से, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान शामिल है। नक्शे में आपको जो नीले रंग का हिस्सा दिख रहा है वो जोन 3 है, यानी यहां भूकंप का खतरा थोड़ा कम है। इसमें केरल, गोवा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। इसके अलावा देश का बाकी बचा हुआ हिस्सा जोन 2 में आता है जहां भूकंप का खतरा काफी कम रहता है, और जो लोग इस जोन 2 में हैं वो काफी किस्मत वाले हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली हाई रिस्क वाले सिस्मिक जोन 4 में आती है। अगर रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का भूकंप आए तो दिल्ली के 6.5% मकान पूरी तरह ढह जाएंगे, जबकि 85% मकानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दिल्ली की ज्यादातर इमारतें भूकंप को झेल नहीं सकती। IIT रुड़की के एक रिसर्च में सामने आया था कि अगर 7 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आया तो दिल्ली में यमुना के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपका मकान, आपका घर भूकंप का सामना कर सकता है या नहीं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बारे में एक्सपर्ट से बात करके हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आप सबसे पहले अपने मकान की जगह की सॉइल टेस्टिंग करवाएं। मिट्टी की जांच से यह पता चलेगा कि मकान की बोझ सहने की क्षमता क्या है। यह जांच आप सरकारी या किसी प्राइवेट एजेंसी से करा सकते हैं। इसके अलावा तमाम इंडिपेंडेंट सर्वेयर भी ऐसा करते हैं।
जांच से ये पता चलता है कि आपके मकान की मिट्टी प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर कितना वजन उठा सकती है। जांच से ये भी पता चलता है कि ये जगह कंस्ट्रक्शन के लिए ठीक है भी या नहीं, और इस इलाके में पानी का स्तर कितना है, और वाटर लेवल और बोझ सहने की क्षमता का सही अनुपात क्या है। भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकता है, और भूकंप के आने का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अचानक भूकंप आने पर अगर हिम्मत और सूझबूझ से काम लिया जाए तो अपनी और दूसरों की जान आप बचा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि भूकंप आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको फौरन अपने घर, दफ्तर या स्कूल से निकलकर खुले मैदान की तरफ भागना चाहिए। बाहर जाने के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। बाहर जाना संभव ना हो तो टेबल, बेड या किसी डेस्क जैसे मजबूत फर्नीचर के नीचे शरण ले लें, उसके नीचे घुस जाएं। कोई मजबूत चीज ना हो तो दीवार से सटकर खड़े हो जाएं और अपने सिर को किसी मजबूत चीज से ढक लें। अगर आप मलबे के ढेर में दब गए हैं तो माचिस कभी ना जलाएं और ना हिलें और ना ही किसी चीज को धक्का दें। मलबे में दबे होने की स्थिति में किसी पाइप या दीवार पर धीरे धीरे थपथपाएं ताकि राहत कर्मी आपको ढूंढ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोर ना मचाएं, क्योंकि चीखने चिल्लाने पर आपकी सांसों में दम घोटने वाली धूल जा सकती है।